सो बहुत लोग बहुत बार पूछते हैं कि भैया वीडियोस इतना अच्छा कैसे दिखते हैं, क्या यूज़ करते हो, क्या कैमरा यूज़ करते हो, क्या लेंस यूज़ करते हो, क्या ट्राइपॉड यूज़ करते हो, लाइटिंग कैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस. बकल अप. डिटेल्स में बात करेंगे. सो आई हैव मेड सम पॉइंट्स ऑन माय फोन. फर्स्ट विल बी स्क्रिप्टिंग, देन वीडियो, ऑडियो, लाइटिंग, ओवरहेड गियर्स, शूटिंग प्रोसेस, स्लाइडर्स, गिम्बल्स, एडिटिंग एंड फाइनल सिंक एंड एवरीथिंग. सो ये सब पार्ट को डिटेल्स में बात करेंगे. सबसे पहले आता है स्क्रिप्टिंग. सो सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या वीडियो बनाना है, वो वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो वीडियो इज द वीडियो रिलेटेड टू माय चैनल, इज द वीडियो समथिंग विच आई वांट टू डू इट, पहले वो डिसाइड होता है. उसके बाद आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द वीडियो, स्क्रिप्ट कैसा रहेगा, क्या फ्लो रहेगा, फर्स्ट क्या आएगा, ए रोल आएगा, बी रोल आएगा, पहले क्या शॉट आएंगे, क्या स्पीच आएंगी, कैसी म्यूजिक रहेगी, उसके एसएफएक्स क्या रहेगा, कैसा इफेक्ट्स रहेगा, ट्रांजिशन कैसा रहेगा, पूरा ये डिटेल्स वाला जो बात रहता है, ये रात में सोने का टाइम पहले मैं प्लान करता हूँ. उसके बाद नेक्स्ट डे 4 AM 4:30 AM ये बैठ के लिखता हूँ. फर्स्ट डे स्क्रिप्ट गेट्स रेडी, सेकेंड डे आई रीच द स्टूडियो एंड वो स्क्रिप्ट आईपैड में यहाँ एवर नोट में मैं डाल के रखता हूँ. तो एवर नोट ऐप एब्सोल्युटली रिकमेंडेड, उसमें मेरा सब स्क्रिप्ट लिखा है. ऑलमोस्ट मे बी नाउ 100 से 200 वीडियोज पेंडिंग होंगे, स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सबका रेडी है, खाली बैठ के बात ही करना है और कुछ नहीं, बात करना है, एडिट करना है, पब्लिश करना है. सो पहला पार्ट जो है वो स्क्रिप्टिंग का. पहले सोचना पड़ता है क्या वीडियो बनाना है, उसका थंबनेल क्या रहेगा, टाइटल क्या रहेगा, कीवर्ड्स क्या रहेगा, क्या बोलना है, पॉइंट्स क्या है. नॉर्मली मैं सबका पॉइंट्स लिख लेता हूँ, पूरा डिटेल्स में लिखना नहीं पड़ता है, ओनली पॉइंट्स लिखो, कैमरा के सामने बैठो, कुछ भी बकलो एंड हैज टू बी टू द पॉइंट. एंड नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई गेस. सो मेरा वीडियो का सेटअप कुछ ऐसा दिखता है. वहाँ कैमरा स्लाइडर पे और एक कैमरा इधर रहता है जो 85 और 100 mm रहता है पूरा क्लोज अप, और जो मेन है वो मेरे फ्रंट में यहाँ रहता है. सो दिस इज सोनी A7R3 विथ ए 2470 कार्ल जाइस लेंस. उसके ऊपर एटमस निंजा वाला मॉनिटर में यूज करता हूँ. मैं रिकॉर्ड कैमरा पे नहीं करता, मैं रिकॉर्ड इस पे करता हूँ. This I record with ProRes 4K, not even MP4, not even MOV, it's ProRes 4K. मैं पूरा फाइल इसी में शूट होता है क्योंकि वो फाइल मेरे को फिर लेके एडिट करने में बहुत ईजी होता है. तो ये है मेन कैमरा का सेटअप. दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज हाउ आई फेस द कैमरा. इसको मेरे को देख सकता हूँ कि कैसे फ्रेमिंग है, क्या है, सब कुछ यहीं से मेरे को मॉनिटर पे दिखता है. यहाँ पे आईपैड रहता है, यहाँ पे एवर नोट खोल के बस स्क्रिप्ट रेडी करके देख लेना एक बार पॉइंट्स. एंड ये जो कैमरा रहता है वो स्लाइड करता है इधर उधर, मैं उसको प्रोग्राम कर देता हूँ, वो इधर उधर स्लाइड करते रहता है मेरे मुंह के इधर से उधर, उधर से इधर. एंड ये जो कैमरा है सी कैमरा, ये मेरा क्लोजअप करके रहता है. सो अगर ये कैमरे में कहीं मेरा मुंह थोड़ा खराब दिखा या कुछ मैं गलत सलत बोल दिया कि थोड़ा इधर उधर हो गया, तो ये कैमरा से फुटेज लेके मैं डाल सकता हूँ. वो कैमरा भी ऑलमोस्ट सेम है. सो इट डिपेंड्स, इफ आई एम मेकिंग ए पेड और ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, नॉर्मली 3 कैमरा का सेटअप रहता है. एंड आई एडिट मल्टी कैम फुटेजेस, वो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा काम लगते हैं. तो अनटिल अनलेस इट्स ए पेड वीडियो, स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय सम कंपनी, आई डोंट डू दिस. मतलब इतना ज़्यादा काम करता नहीं, फिर भी नॉर्मली 3 कैमरा में शूट करता हूँ. ऑडियो में 2 में शूट करता हूँ, एक रहता है ये जूम H4N, उसमें XLR इनपुट होके ये रोड NTG4 ये लगा रहता है. दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ऑडियो पार्ट. ये ऐसे ऊपर होके रहता है ऊपर, सी दैट, तो ये फ्रेम पे नहीं दिखता. अगर भी फ्रेम पे दिख गया ऐसे होके दिखा, वहाँ पे देख सकते हो कि अगर दिखा उसको बस खाली थोड़ा ऊपर करना है और कुछ नहीं. ये ऊपर गया ऑलमोस्ट यहाँ फ्रेमिंग होके सेट, ये फ्रेम से बाहर रहना चाहिए और कुछ नहीं. रिकॉर्ड मारो एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट. सो कैमरा सेटअप रहता है, मेन कैमरा है सोनी A7R3 विथ ए कार्ल ज़ाइस GM 2470. सेकेंड कैमरा इज द
A6500 with the 85mm Zeiss Betis, and the third camera is the Sony A7S II with Carl Zeiss 1635 f2.8, again the GM lens. So three camera setup, and all the three cameras record in S-Log2, and उसके बाद उसको लेके मैं process करता हूँ. Normally मैं जब भी indoor मतलब studio में shoot होता है, all of those cameras always shoot at S-Log2. So यही है complete setup for the video, cameras, lenses, then audio का आपने भी देख लिया कि वहाँ एक audio रहता है जो ऊपर यहाँ के लगता है, Rode का NTG4. I'm going to place all the links below in the video description so that in case you want to buy something, you can just go ahead and buy from my links. Now talking about the lighting, studio में lighting बहुत अच्छा से किया गया है. Day one से ये plan करके कर दिया गया था. फिर भी जब मैं video बनाता हूँ, मेरा दो light use होते हैं. एक है ये, this is my main light. Aperture 120D and the light dome both comes from Aperture, and it's pretty expensive, like $1000 या ज़्यादा कुछ लिया था एक light का, but ये एक light is equal to like any number of lights you can have in the studio. एक light सारा काम करता है. और एक जो मैं ये light use करता हूँ, ये ऊपर मैं एक light देता हूँ मेरे hair space, तो एक clean हो के मतलब difference दिखेगा जब भी video के सामने हो. तो यहाँ ये जो light सर पे गिरता है, उसके बाद ये लाइट फ्रंट से आता है, तो कोई भी एरियाज फेस का काला नहीं दिखेगा, एंड एवरीथिंग लुक्स नाइसली लिट व्हाइल मेकिंग द वीडियोस. सो दैट्स द ओनली पार्ट अबाउट द लाइटिंग, जस्ट टू लाइट्स, वन की लाइट एंड वन विल बी हेयर लाइट, यू कैन कॉल नॉट अ बैक लाइट, इट्स अ हेयर लाइट. फॉर द बैक आई हैव ऑल दोज लाइट्स इन द स्टूडियो, यू कैन सी दैट, बट नॉर्मली आई स्विच ऑफ ऑल दोज लाइट्स व्हाइल आई एम मेकिंग द वीडियोस. सो लाइटिंग इज क्लियर, ऑडियो इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर. और एक चीज जो बहुत यूज होता है स्टूडियो में इज माई ओवर हेड रिग. यू कैन सी दैट दिस इज हाउ इट लुक्स, बिग वाला यू, इन्वर्टेड यू, दिस इज कम्प्लीटली फ्रॉम मैनफ्रोटो. इसमें वो वाला कैमरा, छोटा वाला A6500 बेटिस 25mm लगा के इसको आराम से साइड करके यहाँ से मैं लगा के यहाँ डाल देता हूँ. सो कोई भी ओवरहेड वाला वीडियो बनाना हो, पकड़ लो फोन है इधर है एंड इसको ऐसे करके वीडियोस बनाना है, तो आराम से यहाँ जो कैमरा रहता है ये पूरा उसका वेट लेके पूरा आराम से यहाँ से बंधा. दिस इज हाउ द कंप्लीट ओवरहेड रिग लुक्स लाइक. एंड टॉकिंग अबाउट दोस फेस ट्रैकिंग स्लाइडिंग शॉट्स, यही दो यूज होते हैं. राइनो स्लाइडर, अगेन प्रीटी एक्सपेंसिव, बट दिस इज द बेस्ट सेटअप आई हैव. Rhino slider complete setup, and ये है Zhiyun का Vibil Lab, ये वाला भी बहुत use होता है. तो ये वाला face track पे use होता है, वो face track पे use नहीं होता, but वो product tracker and all that tracker videos में वो use होता है, but ये वाला face track, gimbal, all those cam मतलब videos में यही वाला ही permanently use होता है since more than a year I guess. So slider यही दो, not much stuff, but ये दो full काम करते हैं मेरे लिए. तो यही है पूरा का पूरा सेटअप, वीडियो, लाइटिंग, ऑडियो, एवरीथिंग इज क्रिस्प एंड एवरीथिंग इज डन परफेक्टली करेक्ट. आई मीन डे वन से ये कंप्लीट सेटअप है, ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत सालों के बाद मैं इसको ऐसे सीख सीख के कि आई हैव बीन डूइंग दोस स्टफ सिंस 10 इयर्स नाउ. जस्ट यूट्यूब में मैं वीडियो बना रहा हूँ मे बी एक दो साल से, बट वीडियोज में बना रहा हूँ बहुत पहले से क्लाइंट्स लोगों के लिए. सो ये सब मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है. सो की आई कीप माई स्टफ एवरीथिंग वेरी ऑर्गेनाइज एंड एवरीथिंग लुक्स लेट, हैज टू लुक परफेक्ट बिफोर आई पब्लिश ए वीडियो. सो पब्लिश एक बार वीडियो सब रिकॉर्ड होने के बाद सब कार्ड्स SSD सब निकल के घर जाता है. घर जाके एक बड़ा वाला मेरा हार्ड ड्राइव है, उसमें सब डलता है. वो एक बड़ा वाला SSD है, 2TB SSD, उसमें ओनली एडिटिंग का फाइल्स जाता है, उसमें और कुछ नहीं रहता है. उसी में सब फाइल्स पहले कॉपी होगा, उसका दो कॉपी बनेंगे, एक कॉपी जाएगा ऑफिस वाला हार्ड ड्राइव पे और एक कॉपी रहेगा घर पे. पूरा फाइल्स फिर फाइनल कट प्रो एंड एडिट रेडी टू में जाके प्रोसेस होता है, उसके बाद फाइनल कट प्रो में एडिट एंड ऑल दैट स्टफ. सो मे बी आई विल डू अ डिटेल वीडियो अबाउट हाउ आई डू द एडिटिंग इन द फाइनल कट प्रो, दैट विल बी सेपरेट लॉन्ग वीडियो. बट कंप्लीट सेटअप, वीडियोस कैसे शूट होते हैं, आपको ये कंप्लीट आइडिया आ गया होगा ये वीडियो देख के. इफ यू हैव स्टिल गॉट एनी क्वेश्चंस, just let me know in the comment section below. Smash the subscribe button if you haven't done it yet, and don't forget to click on the bell icon to stay updated. I will see you next time.